आज है ईद डे 3 और आज हम लोग जा रहे हैं गुजरात। इतना गंदा टेबल लगा पीछे से, मेरी स्किन उतर गई है। हम दरअसल घर के कामों में इतना बिजी होते हैं ना कि कुछ नहीं। हाँ, पांडे तो नहीं होते ना कुछ। हमारे घर के लड़कों को चाहे देसी घी कच्चा खिला दो, गंदी चीज। दूध खराब हुआ और झटपट बोली भी बंद गई। नहीं हाँ सुनून भाई, हमने आपसे कृपना ली थी, आपने पूरी कर दी है, बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक टू बड़ी मीठी चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो गाइस, आज है ईद डे 3 और आज हम लोग जा रहे हैं गुजरात। आगे तुम बताओ। अच्छा, आज हम जा रहे हैं गुजरात, ठीक है, सुरुन भाई के घर। वहाँ पे 2 डेज इवेंट है, एक आज के दिन इवेंट है और एक कल के दिन इवेंट है। मेरा ड्रेस देख के, शायद मिट्टी का भी देख के आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया होगा। वहाँ पे आज ढोलकी का इवेंट है और कल है निकाह सुरुन भाई के सिस्टर का, मतलब अरफा की सिस्टर इन लॉ का। और क्या कहते हैं, सारे हम रेडी हो चुके हैं। हमारे साथ ईसा की फैमिली भी जा रही है और मैं सेकेंड टाइम, मतलब कि वहाँ पे नाइट स्टे करने जा रही हूँ। मिठी फर्स्ट टाइम इधर आके खड़ी हो ना, फर्स्ट टाइम मिठी जा रही है। लास्ट टाइम क्योंकि मिठी थी सवात में और मैंने वो व्लॉग भी शूट किया था, लेकिन बहुत छोटा सा बना था, इस वजह से मैंने फिर अपलोड नहीं किया। लेकिन इंशाल्लाह, अब तो आपको पता है डेली व्लॉगिंग होती है। खैर, मैंने लेंस लगाया, मिठी ने आज लेंस लगाया और मैंने भी, मिठी ने सेकेंड टाइम, अच्छा थर्ड टाइम लगाया, और मैं तो वैसे भी लगाती थी, इस वजह से हम दोनों की जो लुक है बहुत अच्छी है। ये ना समझना, एक गिट्ठी की थी, लंबी है कि दोनों एक जी आने, मैं लंबी हूँ, एक इंच, एक इंच, लंबी एक 2 इंच ना, मन फूटे फूटे ना तो कह दें। स्नैपचैट पे एक स्नैप भेजी थी, उसके बाद से मुझे नजर लग गई है। किधर हो यार, कोई है इधर? मिठी कानून, मुझे नजर लग गई है, मेरे इतनी बुरी चोट लगी है। टिकटॉक बनाने लगी, सामने फोन रख रही, जूते उतारे पाँव पर, कि इतना गंदा टेबल लगा पीछे से, मेरी स्किन उतर गई है पाँव के पीछे से, और मुझे अब जलन हो रही है। ये देखो मिठी, लेंस तो कोई इरिटेट नहीं करता, मेरे से गुस्सा नहीं पहना जा रहा। और ये कितनी प्यारी जूती है, लेकिन ये अरफा ने पहनने नहीं, ये वाली जूती तुम पहन रही हो, कितनी प्यारी लग रही है, मुझे दे देनी। हाँ कहूँ, तुम बोलो तुम्हारे साथ क्या मस्ता पेश आया। पानी ला दूँ तो तुम मुझे ऊंची आवाज से कह दो। टाइम जो है 6 बज गया और अभी तक हम लोग अपने घर से नहीं निकले, और वहाँ पे मुझे लगता है उनका इवेंट जो है शुरू थोड़ी देर में ही होने वाला है, क्योंकि रोजे थे। देखना पीछे सही लग गए। हाँ, सही लग गए, रोजे थे, जिसकी वजह से जो है बच्चे जो है चीजें वगैरह नहीं खा रहे थे, तो जितनी रोस्टी में चीजें आई थी सारी वैसे ही सही सलामत पड़ी हुई थी। तो अब मैंने सोचा है कि हम लोग तो जा ही रहे हैं, तो ये सारा जो शॉपर ये मैंने रेडी कर लिया, नॉनी जंगल सॉप का पूरा पैकेट एक ऑलरेडी पड़ा, लेकिन अभी इतने भी खाएंगे तो नहीं खाएंगे। डोनट्स हाँ पकड़ो, डोनट्स भी पकड़ लो, तो रेडी कर लिया और अब हम ये लेके चलते हैं, बस जल्दी जल्दी हम निकलते। ओ ये तो लेके नहीं जा रहे मम्मा, ये देखो यार, ये बैग ये नहीं लेके जाना, इसको उठाओ, खोलो, मैं लेके गई, इसको तो खोलो, इसको खोलो ऊपर से, इसके अंदर ये सारे बैग्स सब कुछ पड़ा हुआ है। और ये ही ये लोग भूलमानी, इसको पकड़ो जरा, कितनी बदतमीजी है। और ये सारा डिग्गी का व्यू, इतना ज्यादा सामान रखा है, और अभी इसके नीचे और पीछे जो है ना, क्या कहते हैं शॉपर्स में, नहीं मतलब पूरे बैग्स में भी कपड़े रखे हुए, काफी सामान सारे यहाँ पे गुस्से में, अरफा भी गुस्से में है। सही बात है, गुस्से में अच्छा पर ये मेरी वीडियो बना रहे थे कि मानी का फ्रेंड हामिद जो है वो मिलने आ गया। अस्सलाम वालेकुम हामिद, मानी से बात करो, बात करो। 6.5 hours later हम जो है एक बहुत लंबे सफर के बाद जाके गुजरात पहुंच गए थे, और क्या कहते हैं बाहर थोड़ी बहुत ढोलकी वगैरह हमने मतलब के बजाई है, और अब जो है खाना खाने लगे हैं। हमें जितना गाड़ी में तंग किया है ना, ये सारी लड़कियां यहाँ बैठी हुई हैं, पता नहीं क्या क्या बातें वगैरह कर रही हैं। आपके पास चार्जर है? 2 hours के बाद अब आप दोनों वेट करो, फिर आप लोगों को मिलेगा ये टैब। अच्छा कह रही तो है ना, आप वेट करो, खुद आपको पता लगेगा। सलमान भाई के नंबर बन गया सबके सामने। सलमान भाई क्या नंबर बनाया है सबके सामने? कोई नंबर नहीं बनाया मैंने, मेरे गांव आके तो मेरा नंबर बनाया मैंने, उन्होंने मुंडे आ रहे ने कहना चलो चलो, बना दे गांव आके ने नंबर बना लेने, तो मेरा पिंड आया, उन्होंने पिंड आया वो सी मेरे। बहुत लोग ज्यादा पिछले व्लॉग में फरमाइश कर रहे थे कि कनूत और सलमान भाई तो ईद पे इकट्ठे हैं, लेकिन अरफा और जुनून भाई क्यों नहीं इकट्ठे थे? मैंने उन्हें कहा कि इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में इकट्ठे आएंगे, लेकिन अभी यहाँ पे अरफा नहीं है, तो आप जुनून भाई को देख लें, अवैस को देख लें जो करने आई थी।
मैं फिर तुम्हें अभी हम सारे यहाँ पे खड़े होकर अपनी बात कर रहे हैं। मौसम अब देख लें आप इन दोनों को, माशाल्लाह माशाल्लाह दोनों इकट्ठे हैं। आप दोनों खुश हैं? अरफान ने हम दरअसल घर के कामों में इतना बिजी होते हैं ना कि हाँ भांडे धोने होते हैं इधर इतना सारा जो दूध था वो खराब हो गया और उस सारे दूध की बन गई यहाँ पे बोली और ये सारे लड़के वन बाय वन खा रहे हैं। मैं भी बोल रही हूँ अली भाई बुला रहे हैं, जाओ कोई बात सुने अली भाई की मानी अली भाई बुला रहे हैं, अली भाई मुझे एक बाइट टेस्ट करनी है ठीक है ना बुरी ना तू मत अच्छी थोड़ी थोड़ी सिखाई जा रही है नहीं बोली बोली है बोली वो खा लो अच्छा दिस कॉल्ड बोली हमारे घर के जो लड़के हैं ना सारे देसी बहुत कुछ जी जी मेरा ये खराब है दांत खराब है अच्छा है क्या है हमारे घर में जो लड़के हैं वो देसी घी कच्चा भी यूँ खिला रहे हैं बड़े कुछ कुछ खा रही थी यार ये मेरी डॉल छोटी सी जंगल पॉप्स खा रही है आधा घंटा पहले बोली खराब हुई और दूध खराब हुआ और झटपट बोली भी बंद गई और बनाई किसने है आंटी जवेरिया ने इसकी मामा ने पीले और आज के एक स्पेशल थिंग मैंने और मामा ने ट्विनिंग की है, मतलब मेरा और मामा का ड्रेस जो है सेम है। अब हम लोग जो है यहाँ से सारी फैमिलीज निकल के जा रहे हैं दूसरे वाले घर में, मतलब नाइट के लिए सोने के लिए। पता नहीं तो लड़ाई हो गई है क्या हुआ उससे भी कोई बता दे क्या हुआ है तुझे इग्नोर कर रहे हैं ये लड़का आते साथ ही अंदर ऐसे लेटा है मिठी है मेरी मिठू है मिठू ओए नहीं इसको मैंने कहा मेरी प्यारी सी बारबी डोल दादो को लगा लड़की है कहती लड़की है मैंने कहा नहीं लड़का है ये वाला रूम इसने बताया तो है 87 रूम उसका है ये लड़के जो है अब आइस आसमान ऊपर लेके आ रहे और तू नीचे गिर जाएगा ईसा मैंने जो है अपने लेंस रिमूव कर दिए अब मैं पता है अपनी आंखों को मैं यूँ अच्छी तरह ना मल नहीं थी पा रही और अब मैं सुकून से कर सकती इंसान में थक जाता है लेंस लगा तो ये भी करना जरूरी होता है सुकून ये क्या कर रहा है तू इतने प्यारे लड़के हम लोगों ने कपड़े वगैरह चेंज वगैरह सब कुछ कर लिया था और अपने घर के कपड़ों में मैं वहाँ शीशे में बना देख रही लेकिन मैं भैया हमने चेंज वगैरह करके अपना सारा कर लिया अब ईसा परियापी पे पीछे से वार करने लगा परियापी का दुश्मन है ईसा आराम से लेकिन अब जो है हमारे लिए यहाँ पे पिज़्ज़ास वगैरह आए हैं जुनून भाई का हम धन्यवाद करते हैं जुनून भाई हमने आपसे कृपना ली थी आपने पूरी कर दी है बहुत बहुत शुक्रिया हाँ जी क्या हुआ प्लीज सॉरी क्या करो प्लान सुन लो हाँ जी इधर आके सुनो इधर आके हाँ जी सुनो अच्छा हाँ और मम्मा यहाँ पे साइड पे हो जाएंगी ना तो मैं यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे हो जाऊंगा मैं शॉपिंग यहाँ पे सो जाएंगी एक बैठे थे ईसा किस किस को सुना रहा है मम्मा यहाँ पे सो जाएंगी अर्मी शॉपिंग हमारे पैरों में सो जाएंगी मैं थोड़ा इधर होके सो जाऊंगा इधर होके सो थोड़ा उधर होके सो जाएगी और आप नहीं वो इधर होंगी और आप आगे सो जाना और आपकी आपकी पूरी फैमिली नीचे अच्छा मेरी पूरी फैमिली नीचे गद्दों पे वाह यार तूने बिल्कुल सही कहा प्लीज अब मेरे कमरे में मत सो जाओ सो जाओ तेरे अच्छा ठीक है ये दोनों बहन भाई यहाँ पे क्या कहते हैं सुबह के अब्दुल्ला के कपड़े प्रेस कर रही हो बुरा इत्तेफाक हो जाए अच्छा एक चीज मैयर करके एक चीज लेके कालेंगे यहाँ पे करते हैं ब्लॉग को एंड और आई होप आपको आज का जो मेरा ईद डे थर्ड था वो आपको अच्छा लगा होगा और मुझे रखे अपनी दुआ में याद और फिर मिलेंगे हम एक न्यू ब्लॉग में जिस चीज ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो भी मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।